हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू करियर पॉइंट। और करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में तुम लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमराज, तुम लोग का बायोलॉजी फैकल्टी। आज डिस्कस करूंगा एक टॉपिक के बारे में जो तुम्हें दिख रहा होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th का टॉपिक है और ये एक्सक्रीशन का ही टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में हमेशा दिक्कत होता है और हमेशा इसको समझने में प्रॉब्लम होता है कि आखिर इस मैकेनिज्म के दौरान होता क्या है। तो आज सारा डाउट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा और जो भी नीट में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं फिर से वही बात कि तुम लोग का एग्जाम आने वाला है नीट का, बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब गिनती के दिन बचे हैं। तो गिनती के दिन बचे हैं तो उसका दम यूटिलाइज करना है उस चीज को, और यूटिलाइजेशन मतलब कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, चाहे बोटनी में हो, चाहे जूलॉजी में हो, चाहे तुम्हारा और भी कुछ सब्जेक्ट हो जो एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें जरूर पढ़ाई करना, बहुत तुम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन का ये टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कि आखिर इस मैकेनिज्म में क्या होता है। तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहला है कि यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। शुरुआती के दौरान क्या होता है कि हमारा यूरिन बहुत डाइल्यूट होता है, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो क्या होता है कि यूरिन कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, और जब कंसंट्रेटेड बनाया जाता है तो इसमें नेफ्रॉन का पार्ट हेल्प करता है। नेफ्रॉन का दो पार्ट इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक पहला पार्ट है लूप ऑफ हेनले और दूसरा पार्ट है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले तुम लोग को पता होगा, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, इसमें तीन पार्ट आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड वासा रेक्टा क्या होता है, तो वो ब्लड कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल तुम्हारा रन करता है, दैट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में क्या होता है, तो वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो होता रहता है, और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट होता है वो फ्लो करता है। तो इसी के बीच में कुछ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उस दौरान आखिर होता क्या है और उस एक्सचेंज के में हमारा यूरिन का कंसंट्रेटेड कैसे होता है, उस पूरे मैकेनिज्म को हम आज देखेंगे। तो देखो इसमें चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये है एक पार्ट, एक पहला पार्ट हो गया और ये हो गया अपना दूसरा, ठीक है। इसी में क्या होगा, हमारा जो भी एक्सचेंज वगैरह होगा सब इसी में होगा, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ये तुमको दिख रहा है, दिस इज वासा रेक्टा। ये क्या है हमारा, ये है वासा रेक्टा, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और, ये जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में फ्लो कैसे होता है ब्लड का, तो वासा रेक्टा में जो फ्लो होता है ब्लड का वो होता है हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये नीचे की तरफ, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ, ये ओके समझ में आया। तो इसको हम जो बोलते हैं वो है असेंडिंग वासा रेक्टा, दिस इज असेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है। और ये जो है ये हमारा डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ओके। अब आते लूप ऑफ हेनले की बारी। तो लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो होता है वो ऐसे इस तरीके से होता है, ओके। तो ये जो पार्ट है हमारा, जो ये पार्ट है, ये है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ओके। और ये हमारा जो पार्ट है ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो दो तुम्हारा ये पार्ट तुमको दिख रहा होगा। एक चीज और, एक गौर करो, तो गौर एक चीज करोगे कि इसका फ्लो जो है वो डाउनवर्ड है, इधर फ्लो है अपवर्ड। उसी प्रकार इसका फ्लो डाउनवर्ड है, इसका फ्लो क्या है अपवर्ड। दोनों का फ्लो कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब काउंटर, ठीक है, अपोजिट का मतलब काउंटर, ठीक है, अपोजिट फ्लो, राइट, इज काउंटर। और फ्लो का मतलब करंट, ठीक है, फ्लो करना,
ठीक है, दैट इज करंट फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेट भी फ्लो हो रहा है और ब्लड भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका नाम क्यों पड़ा ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो शायद तुम लोग सब जानते होगे, सॉल्यूशन जानते होगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, क्लियर हो गया। अब देखो अगर फॉर दैट अगर तुम्हारा सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, ठीक है, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो तुम्हारा कम, ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये होगा तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो तुम्हारा कम और सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो तुम्हारा क्या होगा ज्यादा, तो ये होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक बेसिक पॉइंट है, इसको समझने में ये हेल्प करेगा, उम्मीद है तुम लोग को ये चीज पता होगा, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है, मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या है इसमें कि ये जो है सबसे पहले यहां से आते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब से, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हासा रेखा से क्या रिलीज होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हासा रेखा से क्या रिलीज होता है, तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है, क्या रिलीज होता है, H2O वाटर, ठीक है, तो ये जो निकालेगा, ठीक है, वो H2O निकालेगा बाहर, क्या निकालेगा, H2O निकालेगा, क्या निकालेगा, H2O निकालेगा। रीऑब्जर्व होता है ना डिसेंडिंग, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो तीन पार्ट, तीन प्रोसेस होता है, ट्यूबुलर, फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या होता है रीऑब्जर्प्शन और सेक्रेशन। तो ये रीऑब्जर्प्शन का प्रोसेस है, H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हासा रेखा से। अब एक चीज देखना, इससे वाटर पानी निकल गया बाहर, इससे पानी निकल गया बाहर, इससे पानी निकल गया बाहर, जब जैसे जैसे वाटर निकल रहा है यानी कि डिसेंडिंग लिप ऑफ फैलने में जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट घटते जा रहा है और सॉल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो वाटर बाहर निकल रहा है ना जी, तो क्या होगा, जो होगा तुम्हारा सॉल्वेंट का अमाउंट कमते जा रहा है और सॉल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू बढ़ते जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है कौन, तुम्हारा ये तुम्हारा डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि नीचे जाने पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आते आगे दूसरा चीज, अब ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या बाहर निकलता है, ये निकलता है NaCl, क्या बाहर निकल रहा है NaCl, क्या बाहर निकल रहा है NaCl, यानी कि सॉल्यूट। अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, तो क्या बाहर रिलीज हो रहा है NaCl, NaCl इज सॉल्यूट, यानी कि कंसंट्रेशन घटेगा, यानी कि डाइल्यूट होते जाएगा, यानी कि नीचे जा रहा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा था कंसंट्रेशन घट रहा है, काम खत्म, ये समझ में आ गया, ये लूप ऑफ हेनले के बारे में बताया, क्लियर है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं तुम्हारा ये भाषा रेखा में, देखो भाषा रेखा का फ्लो क्या है नीचे की तरफ, ठीक है, तो देखो भाषा रेखा में कैसे होता है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे देखना थोड़ा सा गौर देखना, जो NaCl निकला, ठीक है, ये आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेल के बीच में जो खाली जगह होती है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां गया ये, अब NaCl बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये भाषा रेखा में एड होता जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म समझ रहे हो, यानी कि जैसे जैसे भाषा रेखा नीचे जा रहा है क्या ऐड हो रहा है NaCl, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है और सॉल्वेंट का अमाउंट घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि नीचे जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर कंसंट्रेशन घट रहा है, तो सेम चीज यहां पर आते हैं इस वाले में, यहां से क्या हो रहा है कि यहां से देखोगे यहां से वाटर यहां पे ऐड होते जा रहा है, समझ रहे हो, जब वाटर ऐड हो रहा है यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है यानी कंसंट्रेशन घट रहा है, मतलब क्या समझ में आया, मिला जुला के यही बात समझ में आया कि लूप ऑफ हेनले भाषा रेखा में जैसे जैसे नीचे जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंसंट्रेशन घटेगा, काम खत्म, ठीक है। अब एक चीज और,
अब तुम लोगों को पता होगा ये लूप ऑफ फेलियर भाषा रेटा कहाँ होता है, किडनी होता है बउआ, ठीक है, किडनी होता है। किडनी का दो पार्ट, एक पार्ट हुआ कॉर्टेक्स, एक पार्ट हुआ मेडुला, ठीक है। तो तुम्हारा लूप ऑफ फेले और भाषा रेक्टा कहाँ होता है, देखो फिगर में बता रहे हो इसे, ठीक है, लेकिन तुम लोग को जानते होगे, पहले पढ़ चुके होगे, ठीक है। ये देखो ये मेडुला वाले पार्ट में होता है, मेडुला वाले पार्ट में लूप ऑफ फेले है, भाषा रेक्टा है। यानी कि क्या समझ में आया कि जैसे जैसे मेडुला के डीप साइड में जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेडुला के ऊपर जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। क्लियर है, समझ में आया। इसी प्रकार से यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि मेडुला के डीप जाने में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और मेडुला का जो ऊपर जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया। एक चीज और, एक चीज में और ध्यान रखना, एक चीज बता रहे हैं, एक और चीज होता है क्या, ठीक है, तुम नेफ्रॉन पढ़े होगे, ठीक है, मान लो ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। एक चीज और पढ़े होगे, देखो क्या बता रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, एक नेफ्रॉन हो गया पार्ट। देखो एक चीज और होता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल से, कलेक्टिंग ट्यूबुल से यूरिया आता है इधर, ठीक है, किधर, तुम्हारा इंटरस्टीशियल्स में, और जो यूरिया होता है ये फिर से रीअब्सॉर्ब होके कहां आता है, लूप ऑफ फेले में, और ये साइकिल तुम्हारा क्या होता है, चलते रहता है। सीधे यूरिया नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, कुछ अमाउंट में यूरिया आएगा यहाँ। क्यों आएगा, क्यों आएगा, कारण भी बताते हैं। कारण इसलिए कि तुम्हारा मान ले जाए ये किडनी है, ठीक है, कारण इसलिए कि ये किडनी है, ठीक है, ये मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाले पार्ट में तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है, यूरिया भी कुछ अमाउंट में ऐड होगा, यानी कि सरूट ऐड हो जाएगा कि हाईली कंसंट्रेटेड है मेडुला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये कंसंट्रेशन समझ में आ गया, H2O का रोल समझ में आ गया, और NaCl का रोल समझ में, ठीक है। चलो आते हैं आगे, नेक्स्ट चीज और, अब आते हैं कितना कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, होता कितना है, तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखना ये चीज अभी बता रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा कंसंट्रेशन आखिर कितना कितना होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को तुम्हारा जो कैलकुलेट करते हैं वो मोश मोल में करते हैं, ठीक है, मोश मोल पर लीटर में। सबसे ऊपर जो कंसंट्रेशन होता है वो 300 होता है मोश मोल। कंसंट्रेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं मोश मोल पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, 300। उसके बाद कंसंट्रेशन होता है 600 मोश मोल पर लीटर, उसके बाद होता है 900 मोश मोल पर लीटर, और सबसे नीचे होता है 1200 मोश मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसको दम याद रखना, ठीक है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, ओके। यानी कि सबसे ऊपर कंसंट्रेशन 300 और सबसे नीचे कंसंट्रेशन 1200 के आसपास होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और तुम लोग को ये मेरे नहीं लगता है कि अब इससे जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नीट में। तो इससे तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को रिवाइज कर लेना, NCERT उसमें पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।